दुर्वा का चौथा पाठ ओस। ये एक कविता है, इसे पढ़ें, अर्थ से समझें, फिर भावार्थ समझें। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंद गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं, ये जो चमचम नभ के नन्हे तारों से, ये कौन दमकते हैं ये दम दम। लुटा गया कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। बड़े सवेरे मना रहे हैं कौन खुशी में ये दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। इसे लिखा है सोहन लाल द्विवेदी ने, आओ इसे अर्थ से समझें। अर्थ से समझो, फिर भावार्थ भी साथ साथ आपको इसका बताते हैं कैसे लिखना है। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंद गया है ये उज्जवल हीरो हीरो की कड़ियां। तो इसमें कवि कहते हैं ये जो ओस की बूंदे हैं हरी घास में ऐसे बिखरी हुई हैं जैसे कि मोतियों की कोई लड़ी है, जैसे मोतियों को पिरोया होता है लड़ियों में, उस तरीके से हरी घास में ये किसने बिखेर दी है, कौन रात में गूंद गया है, रात में ऐसे इनको कौन मोती की लड़ियों की तरह इसको गूंद के गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। ये जो उज्जवल है हीरों की कड़ियाँ, जैसे जैसे हीरे चमकते हैं ना, ये उसी तरीके से चमक रही हैं। अर्थात कवि कह रहे हैं कि ये जो मोती जैसी जो लड़ियाँ पिरोई होती हैं, जैसे मोती को पिरोया होता है, ये हरी घास में किसने बिखेर दी हैं, रात में ये कौन आया जिसने की ये हीरो की तरह चमकने वाली कड़ियां हैं, रात में कौन आया है जो इनको गूंद के इस तरह उजाला कर गया है। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे, इसमें कवि कहते हैं जाड़े के मौसम में सुबह सुबह ओस की बूंदें ऐसे लग रही हैं जैसे किसी ने हरी हरी घास पर मोतियों की लड़ियां बिखेर दी हैं, या ऐसा लगता है जैसे किसी ने चमकते हीरों की कड़ी बना दी हो। तो बच्चों, आपको अगर भावार्थ समझ नहीं आ रहा तो मेरी वीडियो को बैक करके इसे दोबारा सुनो। अगला पहरा देखते हैं। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं ये दम दम। तो ओस की बूंदों की तुलना जुगनू से की है कवि ने, यहाँ पे जुगनू से की है, कह रही जो ओस की बूंदे हैं जैसे जुगनू चमकता है ना रात में, ये ओस की बूंदे वैसे चमक रही हैं, जैसे जुगनू चमकता है चमचम करके, इस तरीके से ये ओस की बूंदे भी जुगनू की तरह ही चमक रही है, इतनी लाइट जैसी इनको रोशनी में उज्ज्वल लग रही है, सुंदर लग रही है। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दम दम, जैसे आसमान में तारे चमकते हैं ना रात को, और वो एकदम ऐसे चमकते हैं जैसे कि ओस की बूंदे हरी घास पर पड़ी हुई चमक रही हैं। इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो बच्चों। जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर पड़ती हैं, जो सूरज की किरणें हैं ना ओस की बूंदों पर पड़ती हैं, तो वे असंख्य जुगनुओं की तरह चमकते हैं। यहाँ पे तुलना की गई है उसकी बूंदों की जुगनू से, जैसे उसकी बूंदें चमकती हैं सूरज की रोशनी से, किरणों से, उसी तरीके से जैसे जुगनू चमकता है, आप उनमें आसमान के तारों की दमक भी देख सकते हैं। उसकी बूंदों में क्या देख सकते हैं आप, तारों की जो दमक है ना वो भी तुम देख सकते हो। अगला, पहले अर्थ से समझे फिर भावार्थ भी करते हैं। लुटा गया है कौन झोरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। इसमें कवि कह रहे हैं
ये जो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं हरियाली में, ये कौन जौहरी आया है? जौहरी जो है, जौहरी जो है जो सोने की और हीरो की चीजें बनाता है, रत्न बनाता है, उसको बड़े प्यार से जड़ता है, उस तरीके से क्या ये जौहरी आया है जो हरी घास की ओस की बूंदों में जौहरी आके अपने घर का जितना भी खजाना है, रत्न है, ये हीरे हैं, ये इनमें वो जड़ गया है, किसमें? ओस की बूंदों में। इतनी प्यारी लग रही है, कौन जौहरी आया है जो अपने सारा खजाना इसमें लगा गया है? किस पे लगा गया है? पत्तों पर, फूलों पर, पग पग पर, जगह जगह पर बिखरे हुए रतन है नाना। सब जगह क्या है? तरह तरह के रतन बिखरे हुए हैं। इसको भावार्थ कैसे लिखेंगे बच्चों? आओ सुने ध्यान से। पत्तों, फूलों और कदम कदम पर इस तरह के नाना प्रकार के रतन बिखरे हुए हैं, जैसे किसी जौहरी ने अपना पूरा खजाना लुटा दिया हो। अगला करते हैं। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। कह रहे हैं जो बड़े सवेरे मना रहा है, भाई दिन सवेरे, ओस की बूंदे तो दिन में चमकती है ना, रात को नहीं चमकती। जो ओस की बूंदे दिन में चमकती हैं, तो कह रहे हैं इतने सवेरे कौन मना रहा है खुशी से ये दिवाली। ये दिवाली के दीपक की इसमें तुलना की गई है ओस की बूंदों की, जैसे दीपावली में रोशनी चमकती है, ये दिन में ही कौन ओस की बूंदे जो हैं दीपावली के दीपों की तरह चमक रही है। वो तो कवि कह रहे हैं ये कौन है जिसने दिन में ही ये दीपक जला दिए हैं, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जंगलों में, क्योंकि वो जंगल है जहाँ पे ओस पड़ी है, उपवन बगीचों में जहाँ वो ओस पड़ी हुई है, कह रहे हैं जंगलों में और बगीचों में ये किसने दिए जला दिए हैं, और जो दिवाली रात में होती है वो दिन में ही किसने ये दिवाली कर दी है। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? कवि को ऐसा लगता है जैसे बाग बगीचों में कोई सैकड़ों दीप जलाकर सवेरे सवेरे दिवाली मना रहा है। अगली तरफ चलते हैं। जी होता इस ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाओ। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मेरा दिल करता है इन ओस की कणों को, जितने भी ओस की बूंदे हैं, अंजलि में भर घर ले आओ। अंजलि मतलब दोनों हाथों को जोड़कर इनमें ये ओस की बूंदे उठाकर अपने घर ही ले आओ। लेकिन जब वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर इन ओस की बूंदों को इकट्ठा करेगा, तो वो किस में तब्दील हो जाएंगी? पानी में। वो ओस की बूंदों की तरह थोड़ी रहेंगी, मोती मोती चमक रहे हैं अलग अलग, ऐसे तो नहीं रहेगी ना, वो तो पानी में परिवर्तित हो जाएगी। इनकी शोभा निरख निरख कर, वो कह रहा है मैं जब अंजलि में भर के ले जाऊं, कवि कह रहे हैं तो इनकी जो शोभा सुंदरता निरख निरख मतलब देख देख कर इन पे मैं एक कविता बनाऊं। पहले तो उसकी बूंदों को देख रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कवि दिल कर रहा है इनको अपने हाथों में भर कर ले जाऊं, अंजलि में दोनों हाथों को जोड़कर मिलाकर इनको भर के ले जाऊं, फिर इनको देख देख कर इन पर मैं एक कविता लिख दूं। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? आखिर में कवि ओस की नैगर्सिक सुंदरता से इतना अभिभूत हुआ है, इतना प्रभावित हुआ है कवि, कि उनकी इच्छाएं हो रही है कि वह अपनी अंजलि में भरकर इन्हें घर ले जाए। घर में वह इनकी शोभा को बारीकी से देखकर एक इन पर सुंदर कविता लिखे। आशा है मैंने पहले पोएम को पढ़ा, फिर उन्हें अर्थ से समझाया, उनका भावार्थ भी आपको समझाया। अब जो भावार्थ है आप उनको वीडियो को पीछे करके दोबारा सुने, जिससे आपको इजी हो जाएगा। लेकिन भावार्थ आप अपने आप भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पोएम का अर्थ समझाया है, भावार्थ भी उसी तरीके से लिखा जाता है। और प्रश्न अभ्यास की तरफ चलें। कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं? पहले उसका उत्तर दे देते हैं। कविता में ओस को रतन कहा गया है। किसको कहा गया है? ओस को, ओस की बूंदों को
रत्न कहा गया है, यह हरी घास पत्तों और फूलों पर बिखरे हुए हैं। कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं ये? हरी घास पर, फूलों पे और पत्तों पर बिखरे हुए हैं। ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है? उत्तर देंगे, ओस कणों को देखकर कवि का मन कर रहा है कि वह अंजलि में भरकर इन्हें ले जाए, ले आए और इनको देख देख कर एक कविता लिखे। दूसरा प्रश्न का पता करो कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती हैं, इसे अपने शिक्षक को बताओ। तो इसका उत्तर देंगे, दिन में सूरज की रोशनी से पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर की ओर उठ जाता है, रात में ये ठंडा होकर गिरता है और बूंदों के रूप में हरे घास पत्ते फूलों पर रुक जाती है। यहाँ यह जल्दी से सूखती नहीं है, इसीलिए यह हमें धूप निकलने से पहले दिखाई देती है और धूप निकलते ही फिर यह भाप बनकर उड़ जाती है। ख, क्या ओस, कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है? इससे बनने और होने के कारणों का पता लगाओ और अपने ढंग से लिखकर शिक्षक को दिखाओ। तो इसका उत्तर देंगे, ओस, कोहरा व वर्षा तीनों ही तेज गर्मी में पानी से भाप बनकर उड़ जाते हैं, ऊपर ठंडक मिलने से जम जाते हैं जो हमें बादलों के रूप में दिखते हैं। ओस बहुत ही हल्की सर्दी में छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरती हैं। कोहरा बहुत ठंड होता है, कोहरे में पानी नहीं गिरता परंतु ठंडी भाप नीचे की तरफ आ जाती है। वर्षा किसी बादल के थोड़ा गर्म चीज से टकराने से पानी के रूप में गिरता है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है? इसका उत्तर तुम अपने मित्रों, पुस्तकों, इंटरनेट की सहायता से प्राप्त करो और शिक्षक को बताओ। सूरज निकलने के बाद पानी फिर गर्म होकर भाप बनकर उड़ जाता है, वो ओस गायब हो जाती है। वो पानी बनकर उड़ गया भाप बनकर, तो वो गायब हो जाती है। अगला प्रश्न, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहता है। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन कौन सी कविताएं बनाते? अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाओ। तो उत्तर देंगे, या तितली रानी, हमने मनपसंद विषय क्या लिया? तितली रानी। तितली रानी, तितली रानी, दूर देश से आई हो, इतने सुंदर रंग बिरंगे पंख कहाँ से लाई हो, फूल तुम्हें हैं अच्छे लगते, आसमान में उड़ना है भाता, जैसे तुम कोई शहजादी हो जो परीलोक से आई हो। अपनी पसंद से भी आप बच्चों पोयम लिख सकते हो। अगला प्रश्न, तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है? उसका उत्तर देंगे, हमारे विचार से यह ओस जब हल्की सर्दी पड़ती शुरू होती है तब की है। तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं उसकी सूची बताओ। हमारे प्रदेश में सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़ आदि ऋतु आते हैं। तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों? बच्चों अपने हिसाब से अपना मौसम लिखो, तुम्हें कौन सा पसंद है और क्यों? तो यहाँ पे लिखते हैं, हमें वर्षा का मौसम सबसे अच्छा लगता है, चारों ओर हरियाली हो जाती है, वर्षा में भीगना भी अच्छा लगता है, वर्षा में खेलना भी अच्छा लगता है। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आओ। कवि ओस की अपनी अंजलि में भरना चाहता है। तुम नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को अपनी अंजलि में भर सकते हो? सही चिन्ह पर टिक लगाओ। रेत, ओस, धुआं, हवा, पानी, तेल, लड्डू, गंध आदि। तो इसका उत्तर क्या देंगे? एक तो रेत सही है, पानी, तेल, लड्डू, गेंद। अगला प्रश्न, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां? ऊपर इन पंक्तियों को उलट फेर कर इस तरह भी लिखा जा सकता है, हरी घास पर ये मोती की लड़ियां किसने बिखेर दी हैं? इसी तरह नीचे दी गई लिखी पंक्तियों में उलट फेर कर तुम भी अपने ढंग से लिखो। कौन रात में गूंद गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां?
तो इसको लिखेंगे रात में कौन ये उज्जवल हीरों की कड़ियां गूंद गया है। ख नभ के नन्हे तारों में कौन दमकते यो दम दम। तो इसका उत्तर देंगे नभ के नन्हे तारों में ये कौन दम दम दमकते हैं। अगला प्रश्न, यह उज्जवल हीरों की कड़ियां, ऊपर दी गई पंक्ति में उज्जवल शब्द में ज वर्ण 2 बार आया है ना दो, ये देखो आधा ज आधा ज, 2 बार आया है, परंतु ये आधा ज है। तुम भी इसी तरह के कुछ और शब्द खोजो, ध्यान रहे उस शब्द में कोई एक वर्ण अक्षर 2 बार आया हो, मगर आधा आधा। इस काम में शब्दकोश की भी सहायता ले सकते हो। अब इसका अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे लिखी चीजों जैसे कुछ और चीजों के नाम सोचकर लिखो, जुगनू जैसे चमकीले, क्या लिखेंगे? तारे, तारों जैसे झिलमिल रोशनी के छोटे छोटे बल्ब, हीरो जैसे दमकते ओस की बूंदे, फूलों जैसे सुंदर मुख, जी होता है इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आओ। घर शब्द का प्रयोग हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे वह घर गया है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये बात मेरे मन में घर कर गई, यह तो घर घर की बात है, आओ घर घर खेलें। बस शब्द का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है। तुम बस शब्द का प्रयोग करते हुए अपने मन से कुछ वाक्य बनाओ, जैसे बस 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 इतना सा। इन पे हम क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। कैसे? पहले बस का बताते हैं, अब बस करो बहुत बोल लिए, बस बस का वाक्य बनाएंगे। क्या बस बस बोलने से बस आ जाएगी? बस इतना सा, इसका वाक्य बनाएंगे। अरे इतनी देर में बस इतना सा ही पानी भरा। तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बस 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 इतना सा के और भी वाक्य बना के भेजो। अगला प्रश्न, चमक चमकना चमकाना चमकवाना। चमक शब्द के कुछ ऊपर रूप दिए गए हैं, इसी प्रकार नीचे भी लिखे जाने वाले रूप बदलकर सही जगह पर भरो, दमक सरक बिखर बन। तो इनमें हमने भरने हैं ये वाले शब्द, तो हम कैसे भरेंगे? पहला, जरा सा रगड़ते ही हीरे ने दमकना शुरू कर दिया, तुम यह कमीज किस दर्जी से बनवाना चाहते हो? सांप ने धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया, तो हमने यहाँ क्या बोला, सरकना। लकी की मूर्ख बनना तो बहुत आसान है, मूर्ख बनना ना बनाना भरेंगे आसान है। तुमने अब खिलौने बिखेरने बंद कर दिए, यहाँ पे क्या बना, बिखेरने बंद कर दिए, खाली स्थान भर दिए। धन्यवाद।